सो हाई एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल गाइज। आज एक सरप्राइज था आप लोगों के लिए, मैंने इसलिए पहले से नहीं बताया था दैट आई एम कमिंग लाइव ऑन इंस्टा। सो हाई माई इंस्टा फैम, हाउ आर यू गाइज? जल्दी से आ जाओ फटाफट। ऑल ऑफ यू एम जस्ट वेटिंग। आज एक इंस्टेंट लाइव के लिए आई एम देयर। हाय नंदिनी, सो ऑल ऑफ यू, सो ऐसे बीच बीच में लाइव विदाउट ऐसे बताए आ जाना इज गुड। हाय आरवी बेकर्स, हाय अरमन, बहुत इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे हैं अभी मेरे स्क्रीन पर। सो कैन यू ऑल जस्ट गेस व्हाट आई एम गोइंग टू मेक टुडे? कैन यू ऑल जस्ट गेस कि आज मैं क्या बनाने वाली हूं? राइट गेस वाले को है ना कुछ मेरे तरफ से मिलेगा, तो फटाफट बताओ व्हाट आई एम गोइंग टू मेक टुडे। जितने भी जो लोग हैं, हेलो रूबी, आज मैं क्रिसमस क्विक रेसिपी बता रही हूं। अच्छा, योर नेम इज हीना, सो हाय चारू, गुड टू सी यू हियर एज वेल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ब्राउनी, पीपल आर सेइंग ब्राउनी आई एम गोइंग टू टीच, और गेस करते जाओ, ठीक है? नो ब्राउनीज, स्टिल वेरी क्लोज। क्रिसमस केक नंदिनी, प्लम केक, कप केक, थोड़ा थोड़ा ना बेकिंग में आप लोग थोड़े थोड़ा सा बहुत क्लोज आ रहे हो, पर आई एम नॉट गोइंग टू टीच केक टुडे। आई एम गोइंग टू टीच समथिंग रिलेटेड टू दिस कप, दिस इज वन मोर हिंट जो मैं आज दे रही हूं। सो टेल मी, अब ये क्या हो सकता है? नॉट केक, आई एम गोइंग टू टीच समथिंग इन दिस कप। सो जब तक हमारे पास फटाफट हमारी ऑडियंस आ रही है, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय पूर्वी, अब क्विकली हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के पहले एक और चीज बता देती हूँ, आज का था, आज मेरी कोई क्लास नहीं थी, तो आज आई एम शूटिंग फॉर माई YouTube चैनल। सो आज मैं अपना YouTube चैनल चालू कर रही हूँ, एंड चालू तो मैंने कर लिया, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वहां पे भी बहुत अच्छी रेसिपीज चल रही है हमारी। सो गाइज, जो मेरी ऑडियंस है जो मुझे इतना प्यार करती है, वहां पर भी प्लीज आ जाओ। YouTube में बहुत सारे सरप्राइजेस है, और आपको मैं बता रही हूँ कि अभी साइड बाय साइड ये YouTube पे भी चलने वाला है, राइट? सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टीच यू हॉट चॉकलेट मिक्स, एंड दिस इज बेस्ट फॉर क्रिसमस। आप गिफ्टिंग कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, जिस जो क्रिसमस हैम्पर्स भी बना रहे हैं, और आज अपनी फैमिली के लिए रात को गरम गरम ठंड में आप ये हॉट चॉकलेट पीना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, अ वेरी इजी रेसिपी। सारी जो चीजें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या भी वाइल टेलिंग आई विल टेल यू, एंड आई विल बी इवन आस्किंग यू सम क्वेश्चन वाइल टेक दैट, राइट? मग केक नहीं है, ठीक है? सब्सक्राइब ऑलरेडी, थैंक यू, सो प्लीज सब्सक्राइब My YouTube चैनल। सो एवरी वन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, कभी भी अगर हम हॉट चॉकलेट बनाते हैं, आपको क्या लगता है? बहुत ईजी मेथड बता रही हूँ हॉट चॉकलेट के लिए। हॉट चॉकलेट के लिए द फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इज मिल्क पाउडर, ठीक है? यहां पर मैंने ले लिया अराउंड 10-15 grams ऑफ मिल्क पाउडर। सो यहां पर फर्स्ट थिंग इज, पहले मैं इसका मिक्स बनाना सिखा रही हूँ। एक मैंने यहाँ पे बोल ले लिया, हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दिस इज मिल्क पाउडर व्हाट आई हैव एडेड। After taking milk powder, the next thing is I am going to add here around 1 chamach मैंने add कर दिया cornflour. Milk powder के बाद मैंने add किया 1 chamach cornflour. Cornflour के बाद here I am adding cocoa powder. So यहां पर मैंने add कर दिया cocoa powder. After adding cocoa powder, a pinch of salt I have added. After adding pinch of salt, the next thing is powdered sugar. तो यहां पर मैंने करीबन 25-30 gram powdered sugar add कर दिया। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया ना, ये सारा मैंने इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लिया। अभी ऐसी मेरी बहुत सारी प्रीमिक्स क्लासेस है, आई हैव इवन लॉन्च्ड माय ओन ब्रांड ऑफ प्रीमिक्स। सो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर जस्ट गोइंग टू मिक्स टुगेदर, एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, ये जब आपने इसको अच्छे से सीप भी कर सकते हो, मैंने एक छोटे से बोल में सारी चीजें इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है ना, इसी में ऐड करना है या तो चोको चिप्स ऐड करोगे या ग्रेटेड चॉकलेट। सो हियर एक मिक्स बनाना सिखा रही हूँ जस्ट फॉर द गिफ्टिंग पर्पज या जार डेजर्ट्स के लिए। सो हियर आई विल बी जस्ट टेकिंग दिस, एंड यहां पर किसी को भी अगर मुझे मेरे फ्रेंड्स को गिफ्ट करना है, फैमिली को गिफ्ट करना है, आपने इस तरीके से ये मिक्स ले लेना है, और ये स्टोर करके रख लो अभी विंटर्स के लिए। कम से कम 4-5 बार ना ये आराम से बनाकर पी सकते हो, जब भी आपका मन चाहे, ठीक है? तो ये अप्रोक्सीमेटली आधा कप यहाँ पे बन चुका है। इसी तरीके से जो रेसिपी मैं देने वाली हूँ आप डबल कर सकते हो, यू कैन जस्ट पुट अप द, यहाँ पर आपने जार लगा लिया, यहाँ पे मैंने एक रिबिन ली है, आपने इसको रिबिन से अच्छे तरीके से पैक कर लिया, टाइट कर लिया, एंड ये आपका बन जाता है बहुत अच्छा हॉट मोका प्रीमिक्स। आप जो भी थोड़ा सा कॉफी पाउडर भी डाल सकते हो, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट।
अब ये गिफ्टिंग के लिए यहां पर आपने अपना नाम डाल दिया, नीचे आपने अपनी ब्रांडिंग कर ली एंड दो चार फ्लेवर्स आपने इसके बना के भेजिए। विंटर्स में एक और चीज मैं बताती हूं, विंटर्स में यूजुअली थोड़ा सा इसमें हमेशा ना थोड़ा सा जिंजर पाउडर, सिनेमन पाउडर, दैट इज दालचीनी पाउडर भी डलता है। तो यहां पर मैंने अभी 5 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, दैट वॉज कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर, शुगर, मिल्क पाउडर एंड थोड़ा सा नमक। मैंने ये सारी चीजें आपको मिक्स करके इसमें मैंने मिक्स बना लिया। नेक्स्ट है, इसी में आपको डालना है ग्रेटेड चॉकलेट, पर अभी मैं यहाँ पे चॉकलेट, हॉट चॉकलेट बनाना आपको सिखाने वाली हूं। सो मैंने यहाँ पे मिक्स करके नहीं डाला, तो करीबन मैंने 50 ग्राम कंपाउंड नहीं लिया, मैंने चॉकलेट लिया यहाँ पे। सो आई हैव टेकन कंपाउंड, आई हैव टेकन चॉकलेट। सो हाई एवरीवन, दोस आर सेइंग मी हाई, मैं थोड़ा सा देखते हुए आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज। सो हियर आई हैव टेकन चॉकलेट, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आई हैव हियर वनीला एसेंस। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, कभी भी अगर आपको ये मिक्स बनाना है, सो मिक्स बनाते वक्त आपने यहां पर ये हॉट चॉकलेट मिक्स के लिए आपने ये मिक्स ले लिया एंड मिक्स लेने के बाद आप क्या करोगे, इसे इसमें ही आप ऐड कर लोगे थोड़ा सा मिल्क। अभी मैं ऐड कर रही हूं थोड़ा सा मिल्क, द रीजन इज पहले मैंने इसको, अगर मैंने गैस पे डायरेक्टली इसको मैंने कुक करना चालू कर दिया तो उसमें है ना कॉर्नफ्लोर के कारण लम्स पड़ सकते हैं। सो पहले आपने थोड़ा सा ठंडा दूध में ये सारे मिक्स को अच्छे तरीके से डिसॉल्व, इतना टेस्टी बनता है ये मिक्स, बिलीव मी। जब भी आप ये पियोगे आप मुझे हमेशा याद करोगे। आई नो पीपल आफ्टर लाइव यू ऑल ट्राई दीज रेसिपीज, सो हियर व्हाट आई विल बी डूइंग इज, थोड़ा सा बड़ा बोल भी ले सकते हो। Look at this guys, यहां पर मैंने इसको अच्छे तरीके से डिजोल्व कर लिया है एंड जब मैं इसको डिजोल्व कर रही हूं साथ ही में यू कैन जस्ट एड हियर हाफ टी एस पी ऑफ वनीला एसेंस। मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया, राइट। सो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, सारी चीजें आपने मिक्स कर ली विदाउट लम्स, आपने इसको डिजोल्व कर लिया हॉट चॉकलेट को एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, यहां पर मैं लेने वाली हूं एक पैन, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ी सी जगह बना लेती हूं वाइल मेकिंग इट सो दैट you all can see it clearly. So I'll just adjust my camera towards you all. I hope this is visible. So here what I will be doing is, yahan par maine le liya ek pan. Pan mein next is I am going to first take your doodh. Pehle maine yahan pe le liya aadha cup, maine approximately aap dekh sakte ho around 60 to 70 ml maine yahan pe mix kar liya tha. Baki ka 150 ml ke kareeban aadha milk maine isme le liya thoda so garam karne ke liye. यहां पर मिल्क की अच्छे से उबाल आ जानी चाहिए। यहां पर मैंने ठंडा दूध इसलिए लिया है जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, राइट। सो यस, कोल्ड मिल्क आई हैव टेकन हियर और इसलिए लिया जिससे लम्स ना पड़े। दूसरा यहां पे मैंने लिया चॉकलेट, यहां पे मैं चॉकलेट को डिसॉल्व करने वाली हूं इन दिस हॉट मिल्क एवरीवन। और जब तक मैं ये सारी चीजें कर रही हूं यहां पर एवरीवन आई वांट योर कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर मैंने लिए कुछ वेज मार्शमेलोज। सो हियर व्हाट आई विल बी डूइंग इज, यहां पर मैंने कुछ कलरफुल मार्शमेलो व्हाइट एंड पिंक ले लेना है एंड इसे मैं ना स्क्रूअर में लगाने वाली हूँ। सो हियर व्हाट इज व्हाट आई हैव टेकन जस्ट टू मेक माई डिश लुक मोर फैंसी, यहां पर आपने स्क्रूअर्स में एड कर लिया। सो ऑल ऑफ यू जितने भी आपको स्क्रोल्स में डालना है आपने इस तरीके से यू आर जस्ट गोइंग टू डू इट, राइट। सो यहां पर विद चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आई हैव टेकन, यू कैन इवन टेक कंपाउंड। क्या होता है ना अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे चॉकलेट एंड कंपाउंड में, आप कंपाउंड भी ले सकते हो, आप चॉकलेट भी ले सकते हो। सो यहां पर दूध अच्छे तरीके से बॉइल हो गया, यहां पर मैंने ऐड कर देना है चॉकलेट। सो यहां पर मैंने चॉकलेट ऐड करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू डिसॉल्व दिस चॉकलेट, थोड़े छोटे छोटे भी पीसेस कर सकते हो, पर दिस वॉज एन इंस्टेंट लाइव विच आई प्लान्ड। सो मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं किए, मैंने इसको इमीडिएटली इसमें ऐड करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू डिसॉल्व इट, तो ऐसे ना चॉकलेट वाला दूध हो जाता है। अ वेरी सिंपल इजी रेसिपी एंड यहां पर मैंने आपको इसका मिक्स बनाना भी सिखा दिया है कि कभी भी अगर आपको बनाकर स्टोर करना है, गिफ्ट करना है, यू कैन जस्ट स्टोर इट एंड गिफ्ट इट। सो लुक एट दिस एवरीवन, दिस इज हाउ चॉकलेट एंड मिल्क गेट्स डिसॉल्व एंड सारी चॉकलेट इसमें घुल जाती है। तो ये ठंडे दूध में कभी भी नहीं होगा, दूध जब एकदम अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा देन ओनली यू कैन जस्ट डू इट। इतनी अच्छी सुगंध आ रही है,
प्योर चॉकलेट में यू कैन टेक वैनुटेन, यू कैन टेक कैलिट्स ऑफ चॉकलेट, और यहाँ पर जो आपने मिक्स डिजोल्व किया था विथ शुगर एंड कॉर्नफ्लावर, नाउ वंस योर चॉकलेट गेट डिजोल्व इजिली, आपने पूरा मिक्स इसमें अच्छे तरीके से डाल देना. सो हियर इज यू आर जस्ट गोइंग टू मिक्स इट नाइसली बिकॉज ऑफ कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर के वजह से ये क्या होता है ना, ये गाढ़ा होने लगता है. सो द मोमेंट यू फाइंड कि ये थोड़ा सा इसी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, जस्ट स्टॉप देयर एंड योर हॉट चॉकलेट मिक्स इज रेडी. क्विकली मैंने आपको एक और बार, अगर आपको रिविजन करना है ये रेसिपी का, सो ये मैंने अपने यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, एंड आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, आई विल शो यू द प्रेजेंटेशन. सो प्लीज शेयर द इंग्रेडिएंट्स एंड द मेजरमेंट्स. आई विल बी शेयरिंग, शेयर द इंग्रेडिएंट्स विद द मेजरमेंट प्लीज. सी एक मिनट गाइस, आई विल जस्ट टेल. सो यहाँ पर एज यू ऑल कैन सी दिस, ये अच्छा खासा थिक होने लगा है. यहाँ पे जैसे ये थिक हो जाता है आपको इमीजिएटली से बंद कर देना है, ठीक है. अब ना बहुत ज्यादा देर तक चलाओगे तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा. अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस एक आप प्यारे से प्रेजेंटेशन प्लेट पे एंड बोल पे इसको आप प्रेजेंट कर सकते हो. ये मैंने कप ले लिया एंड यहाँ पर ये हॉट चॉकलेट मिक्स आपका रेडी हो गया है विच यू आर गोइंग टू पोर. गाइस आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट इट विद दिस, या आप इसे इस तरीके से यहां पर इस तरीके पर, ये स्क्रूअर थोड़ा सा बड़ा हो गया, अगर आपको इस तरीके से इसमें इधर डालना है आप इस तरीके से ये भी प्रेजेंट कर सकते हो. द चॉइस इज योर्स एंड जस्ट एंजॉय दिस हॉट कोको मिक्स. सो ऑल ऑफ यू वी कैन कीप दिस प्रीमिक्स, यू कैन कीप दिस प्रीमिक्स फॉर अराउंड 6 months, या नो नीड टू एड एनी काइंड ऑफ हैवी क्रीम. दिस इज परफेक्ट ड्राई इंग्रीडियंट्स एडेड विथ मिल्क और आपका यहाँ पे हॉट मिक्स रेडी हो जाता है, राइट. एंड इतना टेस्टी बनता है. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं मैम सूरत का एक हॉट कोको होता है, मैम यहाँ का ये हॉट कोको मिक्स होता है. गाइज आप जब ये बनाओगे एंड पीपल आर सिंपली गोइंग टू लव इट. थोड़ा सा जब भी दो तीन टिप बता रही हूँ. एक है ठंडे दूध में हमेशा आपके इंग्रीडियंट्स को आपको डिजोल्व करना है. सेकेंड है चॉकलेट जब गर्म हो जाएगी तब उसमें, मतलब जब दूध गर्म हो जाएगा तब आपको उसमें चॉकलेट डालना है जिससे सारी चॉकलेट गेट्स मेल्टेड इजीली. थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज बहुत देर तक अगर आप इसको बॉईल करते रहोगे ना तो हमेशा वो थोड़ा सा जो आपका मिक्स है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, बट इट्स कंप्लीटली फाइन. ये हो गया हॉट में. पर अगर किसी को कोल्ड में हॉट मिक्स पीना है तो जहां पर मैंने यहां पर एड किया है हॉट मिल्क, यू कैन इवन टेक कोल्ड चिल्ड मिल्क, एड एवरीथिंग टूगेदर, मिक्सी में आप पी सकते हो और आप इसमें बना सकते हो. Meanwhile, मैंने आपको एक और एक क्विकली मैं आपको बताती हूँ, चलो आप ही मुझे बताओ कि मैंने ना इसमें एक और वेरिएशन बताया था कि आप इसमें और कौन से दो स्पाइसेस हैं जो ऐड कर सकते हो. सो एक बार आप चेक करना जब मेरा जो लाइव जब खत्म होगा एंड डू कमेंट कि आपने कौन से दो जो इंग्रेडिएंट है जो मैंने आपको बताए थे टू बी एडेड टू दिस हॉट मिक्स. मैंने आपको यहाँ पे इसमें पैक करना सिखा है, यू कैन हैव इट विद दिस मार्शमेलो. आप नीचे जो फोंड्यू होता है, जो फोंड्यू स्टैंड होता है, आप फोंड्यू पे भी लगाकर नीचे से जब वो आग निकलती है तो आपका जो हॉट मिक्स है वो आराम से मेल्ट होने लगता है एंड यू कैन रिलिश इट. और आज ही बनाओ, आई वॉन्ट एवरी वन टू मेक इट टूडे ओनली एंड टैग मी, राइट. जिंजर एंड सिनेमन, ओ गॉड, दीज माई स्टूडेंट्स आर वेरी 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 इंटेलिजेंट. सो जिंजर एंड सिनेमन इज टू बी एडेड. आई लव यू ऑल गाइज, अमेजिंग, एवरी वन नोज द आंसर. नो कार्डमम, इट्स जिंजर एंड सिनेमन इज वॉट यू कैन एड. कितना एड करना है, एक एक पिंच एड करना है. तो जैसे ये लाइव खत्म होता है रैंडमली वी कैन डू अ कॉम्पिटिशन एज वेल, राइट. तो ऐसे तो मुझे लगता है कि जब आप टीचर को इतने ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे तो और कठिन सवाल पूछने चाहिए. सो दिस वॉज अ वीडियो फॉर आर इंस्टाग्राम फैमिली लाइव सेशन जो आज हम लोग ने लिया है ऑन हॉट चॉकलेट मिक्स एंड फॉर माई यूट्यूब चैनल गाइज. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ. टिल देन बाय, टेक केयर.